कि इस कोरोना काल के इस मुश्किल वक्त में सारी दुनिया के अंदर यहाँ बुरे तरीके से इस कोरोना वायरस महामारी ने जनमानस को प्रभावित किया है। पूरी दुनिया के अंदर जो लॉकडाउन हुआ और इस कोरोना वायरस महामारी के बाद बहुत संकटकालीन स्थिति पूरी दुनिया के अंदर आई, और भारत देश में भी जब इस कोरोना वायरस महामारी ने पांव पसारे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने स्वयं इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़कर जहां पूरी देश की जनता को, जनमानस को इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए अवगत कराया, तौर तरीके बताए, दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना, भीड़ भाड़ के एरिए में नहीं जाना, और अपने स्वजन अपने परिवारजनों की सुरक्षा किस प्रकार करनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार देश की जनमानस को इसकी जानकारी दी। उसी का परिणाम है कि आज बहुत सफलतापूर्वक कोरोना वायरस महामारी को निपटने में हमारा देश कामयाब रहा। हर स्तर पर काम हुए, नए हॉस्पिटल्स, कोविड केयर हॉस्पिटल्स का निर्माण हुआ, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। वहीं टीकाकरण, दो इंजेक्शंस भारत के अंदर ही तैयार करके एक वैक्सीनेशन ड्राइव, फ्री वैक्सीन 135 करोड़ भारतवासियों के लिए, उसका आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और सबसे बड़ी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा, जिससे देश के 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को जिसका लाभ हुआ, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये वह योजना है जिसके तहत पिछले दो सालों से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। जब कोरोना की पहली लहर आई और सब लॉकडाउन होकर सारी दुनिया घरों में रह गई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया और देश के जरूरतमंद गरीब परिवारों को फ्री राशन देने की घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की। और जब कोरोना की दूसरी लहर से भी लॉकडाउन हो गया, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए दीपावली तक इस योजना को आगे बढ़ाया गया। ये जो बैग्स जिसका संपूर्ण निर्माण और सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी संगठन ने की है, तमाम जरूरतमंद लोग जो कि इस योजना से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जिनको लाभ होगा, जिनको जो लाभार्थी हैं, जिनको, जिन जरूरतमंद भाई बहनों को इस कोविड काल में प्रधानमंत्री जी की योजना से फ्री राशन मिल रहा है, उन तक ये बैग पहुंचाए जाएंगे। और इसका मकसद ये है कि हर उस व्यक्ति को वो फ्री राशन हर संभव मिलना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने जिसके लिए घोषणा भी की है, और जो अनाज केंद्र की मोदी सरकार सभी राज्यों को भेज रही है। कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे कि जिसके नाम का राशन तो मोदी जी ने भेजा हो और आगे कहीं स्टोर पर उसको वो राशन ना मिले। बहुत सारी जगहों पर कभी कभी कुछ लोग इस प्रकार की बात बताते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यह व्यापक अभियान लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत मोदी जी ने फ्री राशन जरूरतमंद लोगों के लिए जिसकी घोषणा की है, वह फ्री राशन सभी लोगों को मिले जो उनका अधिकार है। इस प्रकार की रचना द्वारा हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों तक ये बैग पहुंचाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो मोदी जी ने राशन सैंक्शन किया है, जिसकी घोषणा की है और केंद्र से लगातार हर महीने भेजा जाता है, वो सभी जरूरतमंद लोगों को मिले, हर व्यक्ति को उसका हक मिले। इस अभियान के नाते से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर गांव में और हर एक
उस जरूरतमंद व्यक्ति के पास जाएगी जो इस योजना के तहत लाभार्थी है।